जय की खबर नाओ, मैं हूँ आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आगे नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिलावर के डीडीसी अध्यक्ष इंजीनियर विक्रम सिंह अडोत्रा ने व्यू पॉइंट बनाने का काम करवाया शुरू। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ब्लॉक बिलावर के अधीन आती पंचायत धमनाल में आज बिलावर के डीडीसी अध्यक्ष इंजीनियर विक्रम सिंह अडोत्रा ने व्यू पॉइंट बनाने का काम शुरू करवाया। उनके साथ बिलावर मंडल के प्रधान डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद, सरपंच अनिता देवी, नायब सरपंच सुरेश सिंह, विजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पंचों सरपंचों और स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की और कहा कि अब हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भी टूरिज्म की तरफ से नए नए तोहफे मिल रहे हैं। इसके साथ ही डीडीसी अध्यक्ष गुर्जर बस्ती में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें मुख्य समस्या लोगों को डक्की से गुर्जर बस्ती सड़क तक है। लोगों को डक्की से गुर्जर बस्ती तक सड़क है। उनका कहना है कि अगर उन्हें सड़क मिल जाती है तो उनकी पंचायत में और भी कई तरह के विकास होंगे। नाइफ साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले जहाँ पे कुछ सपोर्टिंग बार डंगे वगैरह लगाएंगे जिससे ये रोड बच जाएगा, पर जैसे ये देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे जो डंगे लगेंगे मतलब वो भी इस फ्लड को रोक पाएंगे। तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बताएं कि किस तरह से इसका हल हो सकता है, क्योंकि सड़क तो बनी है लोगों के जाने के लिए, सड़क की सहूलियत तो चाहिए थी, सड़क तो बनानी पड़नी थी, लेकिन यहां तक मैंने खुद देखा है कि यहां पे डंगे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि यहां पे क्या हो कि यहां पे जो फ्लड जो आता है वो रुक जाए। ठीक है, फ्लड जो आता है वो डंगे भी लग जाए तब भी रुक सकता है, क्रेट लग जाए तब भी रुक सकता है। ऐसे अगर डंगे क्रेट नहीं लगाएंगे तो ये रुकेगा नहीं। डंगे तो क्रेट जरूरी होने चाहिए कि ताकि ये उसी से उसी वक्त ये रुक सकते हैं, क्योंकि डंगे होंगे या क्रेट होंगे जो रुकेंगे। अगर डंगा क्रेट नहीं होगा तो जो रुकना ही नहीं है। ये ऊपर थोड़े मकान भी थे लोगों के, उन्होंने अपने मकान भी खाली कर दिए हैं इसी की वजह से, इस रोड की वजह से। जब पीडब्ल्यूडी वाले को हम बुलाते हैं इधर, वो आते हैं कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो उन्होंने अपने महकमे में क्यों लिया था? जरूर हमारी समस्या सिर्फ ये है, रोड ही की है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, अगर ये नाले में पानी आता है हम बार बार इसको क्रॉस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आता है इस नाले में। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है लोगों को इसकी। लेकिन जगह जमीन भी लोगों की खराब होगी इस रोड की वजह से। अगर लोग कहते हैं फिर जो पसी उठाने नहीं देते हैं, हम कहते हैं यार पसी उठाने दो, वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, हमारी जमीन बर्बाद हो गई है, हम कहाँ से पैसे दें उनको? अगर पीडब्ल्यूडी वालों के पास पैसा नहीं है तो नहीं पैसा फिर मशीन क्यों लगाते हैं इधर? अगर पैसा तो काम करो, नहीं पैसा तो किसी महकमा के अंडर हो दे दो, बाकी पीएमजीएसी पैसे अंडर कर दो, क्योंकि वो काम करेंगे। हम यकीन है डंगे भी देते हैं लेकिन क्रेड भी देते हैं, पुलिया बनाते हैं, पीडब्ल्यू वाले कुछ नहीं करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि वो एक बार रिटर्न में दे दें कि यहाँ हमारे पास कोई पैसा नहीं आता यहाँ पे, तो हमारे हाथ खड़े हैं, तो आप कहीं और अप्रोच करें। जी 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 हाँ, इनके पास पैसा नहीं है, ये कुछ नहीं करते हैं। 15 साल की रोड है जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, 15 साल से ये रोड बन रही है। जब से हम इलेक्टेड हुए हैं तब से हम इस रोड की बार बार डिमांड देते हैं, रिपेयर की क्रेट वगैरह कुछ भी लगा दो यहाँ पे, जो पसी पड़ती है वो रुक जाए, लेकिन कुछ नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नहीं मिली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंडर। यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा नाला है, यहाँ पे छोटे से ब्रिज की जरूरत है, ब्रिज तो दूर की बात है, यहाँ पे जो क्रेट डालने हैं उनके लिए उनके पास क्रेट के लिए पैसा नहीं है, कैसे हालत होगी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की? थैंक यू। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलावर के मंडल प्रधान भुवनेश्वर, डीडीसी अध्यक्ष बिलावर के डीडीसी अध्यक्ष विक्रम सिंह और थमनाल की सरपंच मैडम। तो विक्रम जी, आज थमनाल में आप आए हैं, तो किस चीज का काम ये शुरू करवाया और इसका मतलब इसकी कॉस्ट क्या है? आज हम यहाँ लोअर बगन पंचायत में आए हैं, ये टूरिज्म का क्लासिक और व्यू प्वाइंट बन रहा है, कम्बाइंडली एक ही लोकेशन पे बन रहा है। मैं यहाँ की लोअर बगन की पंचायत को, सरपंच साहब को, सारी जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि टूरिज्म का मेरे को लगता है शायद ये पहला ही प्रोजेक्ट है इस एरिया में और इस पंचायत में भी। इसके लिए मैं पूरी जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है विक्रम जी? ये लगभग 9 लाख के करीब टेंडर हुआ है, 9 लाख के करीब है ये अमाउंट। तो मैं और लोगों को भी बोलूंगा कि वो भी यहाँ पे आके काम की क्वालिटी पे भी ध्यान दे, ताकि हमारे जो काम है ये अच्छे हों। थैंक यू। अगर आपने अभी तक जय की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkikhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।